टनल में आ गए हम लोग, अटल टनल। यहाँ से निकलेंगे सीधा लद्दाख। मैं जानता हूँ एक महीना हो गया है कोई नया व्लॉग नहीं आया है। आई वॉज वेरी बिजी और कुछ नया कुछ करने को था नहीं। सो एज़ यू नो आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर, तो आई गेट अप वेरी अर्ली, तो ज़्यादा कुछ मैं कवर नहीं कर पाया। तो आज है 28 फरवरी और हम जा रहे हैं आइकिया। तो हम एक्चुअली जाने वाले थे नेक्स्ट वीक, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करना पड़ता है और फिर यू हैव टू गो देयर। ड्यू टू कोविड आपको ऑनलाइन एक वेरिफिकेशन बारकोड आएगा, उसके बाद ही आप वहाँ पे जा सकते हो। पर हमने ऐसे ही ट्राई किया, तो अभी बजे हैं दोपहर के 2। हमने ऐसे ही अभी ट्राई किया 5-10 मिनट पहले, तो 3 बजे का स्लॉट खुला हुआ है। तो यहाँ से GPS दिखा रहा है कि 1 घंटा लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो हम क्विकली तैयार हो गए हैं, कुछ ख़रीदना तो नहीं है पर अगर कुछ पसंद आएगा छोटी मोटी चीज़ तो हम ख़रीद लेंगे। सो लेट्स सी हाउ आर जर्नी टू वाशी इज़। इट इज़ समवेयर अबाउट 35 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर फ्रॉम मलाड एंड क्विकली वी विल रश। तो हम लोग तो रेडी हो चुके हैं, तो तुरंत जाते हैं बाइक पे। और पिछले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा मैंने वो एक आई वेयर लिया था जो मोटोक्रॉस जैसा है, सो टुडे वी आर गोइंग टू यूज़ दैट ऑल्सो। उसका भी परफॉर्मेंस हम आपको दिखा देंगे। एंड वैसे तो मैंने एक राइड पे उसको यूज़ किया था बट इट वॉज़ फैंटास्टिक। आज लाइव यू विल सी एक्सपीरियंस। सो वेरी क्विकली लेट्स गो। शी इज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि संडे को कहाँ जाए वही हम लोग सोचते रहते हैं, पर आज हमें एक जगह मिली है वो है आइकिया। सो वी आर गोइंग टू आइकिया। क्विकली लेट्स गो। और एक्शन कैमरा वगैरह ले लिया है। दिस इज़ माई DSLR एंड आई एम यूजिंग माई DSLR लाइक दिस विथ माई स्कॉर्पियन होल्डर लाइक दिस। सो वेरी क्विकली चलते हैं बाइक पे। तो अपनी बगीरा है रेडी, बहुत दिनों के बाद मैं चला रहा हूँ। वैसे तो मैं यहाँ वहाँ घुमाते रहता हूँ इसको, बट आज थोड़ा एक लंबा राइड मिलेगा। सो लेट्स वेयर माई गागल। जब से लिया है मैंने ये सैडल बैग राइनॉक्स का, एक भी बार यूज़ नहीं किया है। इसका तो मैंने टैग भी नहीं निकाला है अगर आप देखो, क्योंकि कहीं जाना हुआ ही नहीं है। जाना था तो हम लोग ऊटी चले गए और फिर वहाँ से गाड़ी ले ली। जाएंगे सिमी माई सिमी। सो इसके अंदर क्या क्या है ज़रा देखें तो सही, क्या क्या कचरा होगा। आई एम श्योर ओहो नी पैड्स है, वापस से गाड़ी में रखना पड़ेगा नी पैड्स को। चलो कोई बात नहीं, ग्लव्स भी है, ग्लव्स भी रख देते गाड़ी में, अभी फ़िलहाल तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की डिक्की बहुत काम की है ना, ये सब पसारा घर पे होता नहीं है तो मम्मी चिल्लाती भी नहीं है, यहीं पे पड़ा रहता मेरा सब सामान। चलो लाइफ इज़ सेट। तो इसके बारे में मैं जो आपको बता रहा था वो है मेरे मोटोक्रॉस आईवेयर। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से टिशू विशू पे ऐसे संभाल के रखा है, सो ऐसा कुछ दिखता है ये। सो इफ़ आई वेयर दिस एंड देन वेयर माई हेलमेट ऑन दिस, अमेजिंग। तो इसको मैं पहनता हूँ, तो इसको मैं ऐसे पहनूँगा, ठीक है। तो इसके पीछे ये रबराइज्ड है पूरा, तो पूरा चिपक जाता है मेरे आँखों पे, तो ये पूरा चिपक जाएगा ऐसे, तो धूल मट्टी जाएगी नहीं। और 125 रुपये का ये इतना सस्ता मुझे मिल गया, तो मैंने 3 ले लिए मेरे लिए और एक पार्थवी के लिए और एक एक्स्ट्रा, शायद मिले ना मिले ये। तो ये मैंने DIY से लिया है, ये मैं ऐसे पहनूँगा और ये चिपक जाएगा ऐसे, तो पूरा सर कवर, बालकलावा, ये हेलमेट पे पूरा आईवेयर और ये मेरा मास्क। और इसको मैं पहनूंगा ऐसे, तो ये मेरा हाफ हेलमेट, मॉड्यूलर हेलमेट, इसको मैं
अच्छे से पहनूंगा और ये पूरा चिपक गया। नाउ आई एम फुल सेट और ऐसा कुछ दिखता है। बूम 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 करेंगे आज हम। चलो तो पारसी ऊपर गई है, कुछ भूल गई है, वो एज यूजुअल हमेशा भूलती रहती है कुछ ना कुछ। तो फटाफट गाड़ी चालू करते, वार्म अप करते गाड़ी का। मौसम काफ़ी गर्मी है आज, धूप तो एकदम कड़क वाली है, पर कुछ कर नहीं सकते। अभी बजे हैं 2:30 और यहाँ पे दिखा रहा है कि आईकिया हम पहुँचेंगे 3:30 एग्जैक्टली 1 hour and 4 minutes के बाद। तो अपनी बगीरा हो गई है सेट, पार्थी भी हो गई है वहाँ पे सेट और हो गई रेडी। मैडम यस आ जाओ, ये सब इधर रख दे, इसमें सब पूरा खाली है। हाँ लिया है तो यूज़ तो करे इसको। बाप रे बाप क्या गर्म है, बहुत बहुत गर्मी है। पूरा मेरे हेलमेट के अंदर मैं तो पानी पानी हो गया हूँ। दोपहर के 2:30 बजे और 3:30 बजे पहुँचेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी लेके आए होते तो बेटर होता था, बट अभी चलो कोई बात नहीं, बाइक ले ली है तो ले ली है। और ये पवई के रास्ते में तो इतना ट्रैफिक होता है ऑल द टाइम, हम चला ही नहीं सकते। आज लकीली संडे है, वरना आम दिनों पे तो इधर कैसी पब्लिक चलाती होगी पता नहीं। आई एम लकी कि मेरा सब चीज़ ऑनलाइन है और नज़दीक नज़दीक मेरे सारे कस्टमर्स हैं, बट पवई में कैसे होगा मेट्रो का काम क्या पता। यहाँ पे कम से कम 3 साल जाएगा ये पूरा बनने में। ये कितने लंबे लंबे खंभे बना रहे हैं लोग, कहाँ उड़ाएंगे पता नहीं, पूरे मेट्रो को हवा में उड़ाएंगे लगता है। पूरे रास्ते में खड्डे वड्डे सब बेकार हो गया। अरे बॉम्बे में रहने के लायक ही नहीं है, कुछ चलाने के लायक ही नहीं गाड़ी में, ना बाइक चलाने लायक है, ना गाड़ी ना बाइक कुछ भी नहीं। और मैंने ये आंखों पे जो पहना है आई वेयर, वो अच्छा तो है पर अभी बहुत गर्म है इसलिए आंखों के आसपास सारा पसीना जाम हो गया है। सो इफ यू आर राइडिंग इट अर्ली मॉर्निंग देन इट इज़ बेटर। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ज़रा ट्रैफिक सिग्नल आने दो तो दिखाता हूँ। बाप रे तो गर्मी कितनी है। चलो रुकते थोड़े ट्रैफिक सिग्नल में दिखाता हूँ मैं। बॉस ये पूरा सेटअप है, पूरे आँखों के आसपास पूरा पसीना जाम है, धूप है इसलिए थोड़ा गर्मी लग रही है आँखों के आसपास, बट अगर अर्ली मॉर्निंग आप जाओगे देन इट इज़ बेटर। धूप है उसके कारण थोड़ा पसीना आ रहा है, बट अगर नहीं होगा देन यू कैन यूज़ दिस इन द मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग आप राइड के लिए अच्छा है ये। मैंने यूज़ तो किया है पर एक्चुअली मुझे गर्मी इसलिए लग रही क्योंकि ये मास्क बहुत ज़्यादा मोटा वाला है। अगर आप यहाँ पे देखो ये बहुत मोटा मास्क मैंने पहना है, एक्चुअली वो दूसरा वाला मास्क पहनना था मेरे को, ये कोरोना ने चक्कर में ना बैंड बजा दी अपनी बाइकिंग की, ट्रैवल की, सब चीज़ की। और धूप तो भाई माशाल्लाह एकदम सुपर डुपर वाला धूप है। अभी मैंने वो आईवेयर निकाल दिया है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही धूप लग रही है, चिपक रहा है और ये मास्क बहुत मोटा है इसीलिए मैंने वो मास्क ये गलत वाला मास्क पहना है। पतला वाला मास्क पहना होता ना तो चिपक गया होता पूरा। ये यहाँ पे थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है मेरे को, सो अभी मैंने निकाल दिया है। और अभी यहाँ से दिखा रहा है कुछ 21 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ से, सो वेरी क्विकली विल गो। ये एरोली वाला नया रोड मैं पहली बार आया, बहुत बढ़िया है ये एकदम। रोड का कंडीशन यहाँ पे तो अच्छा है, लॉट्स ऑफ फ्लाईओवर्स। ये मैं पहली बार आया, मुझे तो पता ही नहीं है ये कौन सा रोड है, मैं तो GPS को ही फॉलो कर रहा हूँ। सो वी आर जस्ट नाउ 4 kilometers अवे एंड 6 minutes टू गो। सो यहीं पे कहीं पे होना चाहिए, तो यहीं पे से
नीचे से जाना है, ऊपर से जाना है, पता नहीं। लेट्स गो। अरे बाबा, पानी आता तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि काई जमी होती है तो फिसलने का सबसे ज़्यादा डर ऐसे ही होता है। थोड़ा बारिश हो जाए और फिर वी कैन राइड ऑन इट तो चलेगा, पर ऐसे बीच बीच में पानी आएगा और ब्रेक मारा तो सीधा गाड़ी गया। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों को फिसलते हुए देखा है तो मुझे काफ़ी डर लगता है। थाने, तुर्बे, वाशी, ऑल ऑफ दिस थ्रू दिस फ्लाईओवर, सो आई थिंक वी हैव टू टेक दिस फ्लाईओवर ओनली। चलना भाई, भाई बाइक पे रोड ट्रिप करना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, हम लोग सोच रहे हैं करने का। तो मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि कैसे होगा कैसे होगा, इतना सारा गियर्स पहनना है, ध्यान रखना है, छोटी सी छोटी चीज़ जो रोड पे होती है वहाँ पे डर लगता है। यू नो, कोई पत्थर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर बॉटल हो गया, कोई किसी के बच्चे के चप्पल हो गए। सो देर आर सो मेनी थिंग्स वी हैव टू टेक केयर वाइल राइडिंग। अगर गिर गए तो सीधे गए, और यू नो एक बार बॉम्बे छोड़ के कहीं आगे जाके कोई मिसअप हो गया, भगवान ना करे, तो वी आर स्ट्रैंडेड। सो वी आर वेरी यू नो, मैं तो काफ़ी डर रहा हूँ कि करे नहीं करे, कैसे ये लोग करते हैं। बहुत सारे बाइकर्स जो मैं कितने लोगों को फॉलो करता हूँ, दे गो फॉर ऑल इंडिया टूर एंड ऑल दैट, हैट्स ऑफ टू देम। व्लॉगिंग करना है, कैमरा संभालना है, फिर गियर्स संभालने हैं, और अगर गियर्स पहन के कॉटी लग गई तो और बैंड। तो बहुत सारी चीज़ है, तो एक बार ट्राई तो ज़रूर करूँगा। इसीलिए मैं पूरा मेरे डोमिनर, मेरे बगीरा को तैयार कर रहा हूँ। तो एक बार ये पूरी बाइक रेडी हो जाए, अभी इसकी सेकेंड या थर्ड सर्विस ड्यू है, मुझे याद नहीं है, मैंने लॉकडाउन के पहले इसका सर्विसिंग करवाया था। अभी मेरी डोमिनर चली है कुछ 4.5 किलोमीटर के आसपास, तकरीबन समझो ना 5000 किलोमीटर। तो पूरे लॉकडाउन में तो हार्डली कुछ चली है, और ये गए साल में समझो ना 2000 किलोमीटर चली होगी। और ज़्यादातर तो मैं हाईवे पे ही चलाता हूँ, तो लेट्स सी आगे चल के और कुछ ना कुछ करेंगे। अभी सिर्फ 600 मीटर्स दिखा रहा है आइकिया, एंड हियर इट इज। ओके, तो आ गया है हमारा आइकिया। आइकिया क्यों किया, कैसे किया, अभी इसकी एंट्री कहाँ से है वी डोंट नो। अच्छा, देर इज अ बिग पार्किंग। ओके चलो, यहाँ पे मानस करके होटल है, कुछ भूख लगेगी तो आ जाएंगे खाने के लिए। तो वी आर हियर एट आइकिया। अभी कहाँ से अंदर जाना है, भाई साहब तू क्यों रोक रहा है, जाओ क्या। खाली टाइम पास, सीटी वीटी मार के। ओ माय गॉड, धूप में आए हैं तो गर्म हो गया बॉडी। चेक करते हैं, इसमें टेम्परेचर क्या चेक करेंगे, इतनी धूप में हम लोग आए हैं तो बॉडी तो गर्म ही होगा। बट गुड, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। काफी बड़ा है यार ये आइकिया, ऑसम है ये तो। ये रह गया था घुसने के लिए,
मेरे से ज्यादा फास्ट हूं मैं गोंचू। अरे अटल टनल में आ गए हम लोग, अटल टनल। यहाँ से निकलेंगे सीधा लद्दाख, लद्दाख से बाहर निकलेंगे हम लोग। अरे अटल टनल में आ गए हम लोग, अटल टनल। यहाँ से निकलेंगे सीधा लद्दाख, लद्दाख से बाहर निकलेंगे हम लोग। अरे अटल टनल में आ गए हम लोग, अटल टनल। यहाँ से निकलेंगे सीधा लद्दाख, लद्दाख से बाहर निकलेंगे हम लोग। अरे अटल टनल में आ गए हम लोग, अटल टनल। यहाँ से निकलेंगे सीधा लद्दाख, लद्दाख से बाहर निकलेंगे हम लोग। अरे अटल टनल में आ गए हम लोग, अटल टनल। यहाँ से निकलेंगे सीधा लद्दाख, लद्दाख से बाहर निकलेंगे हम लोग। अरे अटल टनल में आ गए हम लोग, अटल टनल। यहाँ से निकलेंगे सीधा लद्दाख, लद्दाख से बाहर निकलेंगे हम लोग। ये हमारा छोटा सा अटल टनल है। ओ बाबा, दिस इज नाइस, काफी बढ़िया है ये तो। मेरे पैर जल गए क्योंकि इतना गर्म हो रहा है, बाइक थोड़ा गर्म कर रही है, पैर मेरे थोड़े गर्म हो गए। बाप रे, बैंड बज गई बाइक पे तो हालत खराब हो गई। ये पहनो वो पहनो, पूरा वाट लग गई ना। कार से आना चाहिए था एक्चुअली, गाड़ी से आना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम और भी दो तीन बार आएंगे ना और ब्लॉग बनाएंगे। मेन तो क्या है ना, ये मास्क बहुत तकलीफ देता है यार। ये मास्क के वजह से आदमी सांस नहीं ले पा रहा है पूरा हेलमेट के अंदर। चलो कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। एंड वी विल डू बाइक राइड्स लाइक दिस, तो ऐसा तो होना बहुत, यू नो, विल गेट यूज्ड टू इट। एग्जैक्टली। सो चलो चलते हैं आइकिया में। पार्किंग को देखो, क्या पार्किंग है ना, ज़बरदस्त। बाइक पार्क पूरा का पूरा, वेरी नाइस, वेरी नाइसली डिज़ाइंड, वेरी गुड। और तोड़। ये पार्थवी के साथ यही सब होते रहता है, फेंकती रहती है, भूलती रहती है, गिराती रहती है। हाँ, गर्दी भी उतनी है और आपको चॉइस भी उतनी मिलेगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है अगर आपका बेडरूम वगैरह करना है तो। हर टाइप के सोफा है इधर, 39,000। बाइक राइड के बाद तो ये ज़रूरी है ना अपने लिए। हाय रे, ये मास्क। सैटरडे संडे मत आना, मंडे टू फ्राइडे में आना, अच्छे से देखने मिलेगा। एक्चुअली देखो, सैटरडे संडे आओगे तो पब्लिक ज़्यादा देखने मिलेगी, आइटम्स प्रोडक्ट्स कम देखने मिलेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है यार पार्थी, यहाँ पे पब्लिक आने वाली है ना, आने वाली है। बट इफ यू वांट टू एक्चुअली जेन्युइनली बाय ना, तो मंडे टू फ्राइडे में यू कैन एक्चुअली सी नाइस। और सैटरडे संडे में भी कोई तकलीफ नहीं है, बट ओनली थिंग इज पीपल इज देयर ना, ऑब्वियसली दे विल बी देयर ना। मंडे इट वाज वेरी 50% ऑफ दिस क्राउड। यार केम इन जनवरी, अभी फरवरी मार्च मार्च लग गया है, मतलब वीकेंड तो हमेशा क्राउड रहता है। So when we have a new house, we will come and buy from here. Many things we can have in a cheap, good, good, reasonable price. यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि if you want to buy something, then why not? It's a good place. But बहुत delicate furnitures है, मतलब ये हिलने लगेगा ऐसा वैसा। Look at this, ये पूरा हिलने लगेगा, all this. So I doubt about the quality, how long will it last and all. खाली दिखने में सब अच्छा है, थोड़ी चीज़ महंगी है, थोड़ी चीज़ सस्ती है, ठीक है। So if you are here to buy something, then yes, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ मिल ही जाएगा, but then you have to be very smart to buy and choose what you want to buy. Okay है फर्नीचर, ये देखो पूरी चेयर हिल रही है, in terms of मतलब मज़ा नहीं है दिखने में, कितना पॉश लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट पूरा ऐसा हिल रहा है। आइकिया क्या बड़ा है बे, इतना ज़बरदस्त। वो देख क्या कर रही है, एक से एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ हाउस और समथिंग,
कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, छोटी छोटी स्टेशनरी, बच्चों का सामान, बच्चों के लिए घर का कॉन्सेप्ट, रूम का कॉन्सेप्ट, इट्स नाइस, बढ़िया है, कलरफुल है, इट्स क्वाइट बिग, ये बच्चों के लिए ऐसा कोई डेकोरेशन के लिए है। अपने को तो थोड़ा फर्नीचर में किड्स के लिए, बच्चों के लिए ऐसी फोल्डिंग चेयर है, 699 rupees एंड ऑल। अपने को तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फर्नीचर वगैरह में, बट पीपल हु वांट टू मेक अ हाउस, अच्छा है। सो यू हैव एवरीथिंग ओवर हियर, ये डब्बे डुब्बे सब मिलेंगे आपको, अलग अलग तरीके कंटेनर वंटेनर ये वो। बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई रिटर्न गिफ्ट देनी हो तो उसके लिए ये बढ़िया है ना, 149 में। मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकता हूँ इस पर, एक्शन कैमरा है तो मैंने मेरा DSLR नहीं लिया है अभी, ये सब सिर्फ 19 रुपए के हैं, फॉर 19 rupees पैक ऑफ 4। And you also have some plates over here. ये कितने के हैं? 99 rupees for 6-pack. And the glasses are also there. हाँ, तो बच्चों बच्चों के लिए कोई रिटर्न गिफ्ट है, बर्थडे पार्टी है, उसके लिए ग्लास भी है ऐसे ही, सो 99 के 6 glass, सही है। अरे वाह, ये भी सही है, अरे वाह, ये भी सही है। ये कितने के? ये 19 rupees की चार स्पून्स, और इसमें अलग अलग स्पून्स आपको मिलेगी। अरे बाप रे, ये तो पूरा सेट है ये। ये कितने का है? 99 rupees, कटलरी सेट, सही है ना? कोई कोई चीज़ बहुत सही है, फर्स्ट क्लास मस्त है ये। 100 rupees का लेना है क्या? पर फिर क्या करेंगे ना अपन? हाँ, बच्चों के लिए ठीक है। हाँ, वो सब किसी किसी को अच्छा है यार ये, मतलब किसी को खरीदना है वहाँ पे भी स्कूल के लिए, बहुत बढ़िया है ये। ये देखो छोटा सा कॉट, ये बढ़िया है ना, अगर छोटा बच्चा यहाँ पे बैठे एंड यू नो। हाँ बैठो, नहीं बैठेगा, नाइस ना, ये पूरा बंद हो जाता है। नहीं समथिंग समथिंग नहीं, वो अंदर रह के सो सकता है ना अंदर ऐसे। अच्छा, तो बच्चों के लिए ये सब खाना है, खाना खाने के लिए चेयर, ये सब छोटा छोटा टोटी पोटी सब है ये। यहाँ पे एक कैफेटेरिया है, यू कैन ईट समथिंग ओवर हियर। तो यहाँ से अंदर जाना है, पूरा गोल घूम के वापस आना है, सो यू हैव टू गो फ्रॉम हियर इनसाइड। बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और फिर नीचे भी है, और यहाँ पे कैफेटेरिया है इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग हियर। आईकिया हो गया ख़त्म, थक के चूर हो गए, कुछ लिया नहीं, इट वॉज जस्ट टाइम पास, एंड वी एक्चुअली केम हियर टू सी द कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। तो ध्यान में रखने के लिए हम लोग देखने को आ गए थे, इसलिए वी केम ऑन द बाइक एंड वी डिड नॉट टेक द कार एंड कम। तो अभी हम लोगों को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम लोग आए यहाँ पे नवरत्न होटल में, विच इज़ इन वाशी, सेक्टर 11 और 15 और समथिंग, पता नहीं GPS में डाला, एंड वी नो 17, ओके सेक्टर 17। तो 10 or 12 minutes अवे फ्रॉम IKEA। सो अभी हम लोग खा रहे हैं, और मैडम को बहुत भूख लगी है, मैंने मंगवाया है मसाला डोसा, और वेस ने मंगवाया है ट्रिपल शेजवान, उसका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट चाइनीज। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट फटाफट खा रहे हैं। सो बात ये थी कि बाइक पे आना ऐसे अच्छा भी था और ऐसे बुरा भी था, बिकॉज़ इतना धूप में आया है
एंड पूरा सर पकड़ लिया मेरा तो, बिकॉज आई हैवन बीन राइडिंग बाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इतनी धूप में तो हम लोग नहीं जाते और मेरा अर्ली मॉर्निंग का काम है, तो इट इज़ मोर लाइक अरे गाड़ी में क्यों नहीं आए. प्लस यू हैवंट स्लेप्ट, दैट इज द मेन रीज़न. एग्जैक्टली, और मैं सोया भी नहीं हूँ. तो वैसे भी मेरा पति कुंभकर्ण है, उसको सोना ही चाहिए, किधर भी जाके सो जाते हैं. तो दोपहर को खाना खा के मुझे दो तीन घंटा सोना चाहिए, बिकॉज आई गेट अप एट 5 o'clock. एनीवेज, सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. आईकिया के बारे में थोड़ा सा आपको बताया, हम लोग की जर्नी एंड ऑल दैट. सो हूएवर वांट्स टू बाय सर्टेन कॉन्सेप्ट फर्नीचर, यस इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ नाइस, बट मुझे कोई क्वालिटी में कुछ लॉन्ग लास्टिंग वैसा वाला फील आया नहीं. सो जो लेना है आप देख के ले लीजिए, एंड बहुत बड़ा है तो यू हैव टू कम एटलीस्ट लाइक 4-5 घंटे हाथ में लेके आना है, अदरवाइज हाल ऐसा होगा बुरा मेरे ऐसे और इसके जैसे. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जो भी लगा, कैसा भी, जो भी एरिया, कौन सा भी, यू नो, एनी इम्प्रूवमेंट वी नीड इन आर व्लॉग्स एंड ऑल दैट. सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा. वंस अगेन बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टाटा, बाय बाय. टाटा, बाय बाय.